बेगम साहब आज ना आज हंस रही है, बड़ी एंजॉय कर रही है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें किचन में मेकअप करके और चश्मा लगा के मिसाला कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। जी ये रही जी बेगम साहबा, और बेगम साहबा दोपहर का टाइम है तो इसको मैंने कहा है कि जल्दी जल्दी खाना बना लो क्योंकि सर्दी भी हो जाती है। और उसके बावजूद बेटी मेरी सो रही है अभी, तो ये आई है और जनाब साहब तैयार होने बैठ गई। तो अभी हो रही जी बेगम साहबा तैयार, तो जैसे तैयार होती है तो खाना बनाते हैं। और खाना क्या बना रहे हैं तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करते हैं। आँख में लग जाएगी, आँख में लग जाएगी, बस करो। नहीं लगेगी, हम औरतों को इस काम की प्रैक्टिस होती है। अच्छा प्रैक्टिस होती है। जी माशाल्लाह से बेगम साहबा जो ना बिल्कुल तैयार हो गई है और रेडी हो चुकी है। तो अभी जी चलते हैं जी बाहर, और बाहर करना है जी काम। आज तैयार होकर काम होगा मेरी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? मैं हाँ तैयार, पता है मैं क्यों हुई हूँ? हाँ क्योंकि कल हमारी शादी थी, आज हमारा वलीमा है इसीलिए। जी तो आज माशाल्लाह से गंदम ख़त्म हो गई और बेगम साहबा जी साफ़ करिए जी गंदम, वो भी थाल से, क्योंकि हमारा जो दाने छानने वाला वो होता है ना छज, वो टूट गया। अच्छा अच्छा चलो खैर है, गुजारा कर ले, कोई बात नहीं। ये आवाज़ पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी माशाल्लाह से, ऐसे ना। लाइट चली गई, लाइट ने सुबह से तमाशा बनाया हुआ है। अम्मी जान ने मिसाला जो है ना बना लिया है, बेगम साहबा जो है ना वहाँ पर काम कर रही है, तो अम्मी जान ने कहा कि साथ साथ मैं मिसाला बना लेती हूँ, और जब बेगम साहबा गंदम साफ़ कर लेगी तो फिर जो बनाएगी सालन, तो सालन क्या बनाएगी आपसे ज़रूर शेयर करते हैं जी। जी माशाल्लाह से बेगम साहबा ने गंदम जो है ना साफ़ कर ली है, और बेगम साहबा जी बना रही है जी आज अंडे उबाल करके। हाँ आज हम अंडे की रेसिपीज़ बना रहे हैं क्योंकि तैबा सो रही है, मैंने कहा जल्दी जल्दी शाम का मैं सालन बना लूँ। आज काम माशाल्लाह से बहुत कर लिया, कपड़े भी धो लिए। यहाँ पे अंडे उबल जाएंगे ना तो वहाँ पे मैंने रजाइयों के उलारों को ना सिलाई लगानी है। अच्छा वो मैं लगा लूँ। चलो ये जल्दी जल्दी वो कर लो ना, अम्मी जान ने मिसाला भी बना दिया है, ये उबलेंगे तो फिर बनाऊंगी। गंदम मुकम्मल साफ होगी? हाँ गंदम साफ हो गई है, यहाँ पे अंडे उबल रहे हैं, वहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है, तो बस फिर ये जब तक उबल जाएंगे। चलें ठीक है। जी तो बेगम साहब आप भी कितने रहते हैं? बस ये आखिरी है। आखिरी है, ये सिलाई हो गया? हाँ ये सिलाई, देखो कैसे होगा। नहीं माशाल्लाह, तो आज बेगम साहबा ने माशाल्लाह से रजाई का जो कवर है ये भी इसने कहा कि चलो बना लूँ, क्योंकि रजाइयाँ ऐसे डालते थे ना तो हवा वगैरह जाती थी और सर्दी महसूस होती थी, क्योंकि अभी बहुत धुंध होने वाली है इसलिए। हाँ आगे जो बहुत सर्दी बढ़ने वाली है
तो इसने कहा चलो साथ साथ में, अभी जो है ना मेरी बेटी सो रही है तो चलो ये जल्दी से काम हो जाएगा, ये भी अपना काम भी जारी रखे ना। हाँ माशाल्लाह, जब वो उठ जाती है तो फिर तो वो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। जी माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ स्कूल से आई हैं और अभी जो इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी और खाना खा रही हैं। तो कैसी है सालन, कैसा बना हुआ है? अच्छा बना हुआ है। अच्छा आज मैंने बनाया है, फिर तो बहुत अच्छा बना हुआ है। वाला कुआ ताला मिला लिया लजी, मां बाबा ने नहीं बनाया, मैंने बनाया। ये झूठ बोल रही है आपकी मम्मा, मैंने बनाया सालन। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। जब अच्छा बनता मैं बनाता हूँ, जब गलत होता तो आपकी मम्मा बनाती है। हाँ ये सही है जी। माशाल्लाह से मेरी बेटियों ने खाना खा लिया है और अभी जो है ना अंडे उबैल हो चुके हैं। तो ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, ये इसकी छिलड़ी जो होती है उतार उतार के यहाँ रख। अभी आई हूँ स्कूल से और देखिए इन लोगों ने हमें काम पे लगा। अच्छी बात है, अपनी मम्मा के साथ हाथ बटा रही हो तो काम का। आज इसलिए काम करवा रही हूँ क्योंकि मैंने चश्मा लगाया है ना, देखो। हाँ आज आज आपकी मम्मी जो है ना क्या बनी हुई, हाँ हीरोइन बनी हुई है, तो इसलिए उसके साथ जो हाथ बटा लो, काम करवा लो। ये हमारी गंदम जो ना बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और मैं भांजे को भेजता हूँ और इसको चक्की के ऊपर डलवा के फिर पिसवा लेते हैं माशाल्लाह से। ये रही जी आयत फातिमा। आयत फातिमा कितने दिन हो गए, आपने व्लॉग भी नहीं बनवाया मेरे साथ, किधर गई थी? ये सो के उठ गई है जी आयत फातिमा, इसलिए जी मायूस है, अभी हंस रही नहीं है। तो सब बहन भाइयों ने ज़रूर बताना है कि हम दोनों मियाँ बीवी चश्मा पहन के कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है आप बहन भाइयों ने। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें किचन में मेकअप करके और चश्मा लगा के, मिसाला कैसे बनता है। जी माशाल्लाह से दोनों मियाँ बीवी जो हम जो है ना तैयार व्यार होकर चश्मा पहन कर आज जो है ना सालन बनाने वाले हैं, तो आप लोगों ने भी इंजॉय करना है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं तो, और आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो इसको मैं जो है ना ये मिसाला भुनेगी और मैं जो है ना इसको अंडे काट काट करके ना दूंगा, ये सालन में डालती रहेगी। घी जो है हमारा बिल्कुल जो है ना ऑयल गर्म हो चुका है और अभी ऐड करेगी प्याज। डर लगता है मुझे, वैसे चश्मा लगाने का कोई बुरा आइडिया तो है नहीं, ये अगर लगा कर ऐसे प्याज डालो ये घी तो नहीं जाएगा ना। हाँ, तो मैं घी भी नहीं जाता और एक साथ काम करने से प्याज भी बढ़ता है। प्याज लहसुन अदरक रखने से लहसुन डालना है। हाँ डाल दो। ओ छोले उबल रहे हैं, छोले टमाटर हरी मिर्च भी डाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम साहब आज हंस रही है, एंजॉय कर रही है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। काम करो और क्या करो, काम तो करवा रहा हूँ और क्या करूँ, और कितना काम करूँ, जो मुझे काम बता रही है वो मैं कर करके दे रहा हूँ आपको। अभी मेरे काम में है सिर्फ अंडे काट के दे, अंडे में काट के दे दूंगा और मैं मिर्च मसाले डाल दूँ। हाँ डाल दो डाल दो। मैं भी अंडे काट लूँ, एक एक कर काट दूँ? नहीं नहीं, एक ही साथ काट कर फिर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह से अंडे मैंने रेडी कर लिए हैं और बेगम साहबा को मैंने कहा कि अभी जो ना मिसाला भून लिया तो इसको डाल दो, और डालने के बाद हमारा काम तो जी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम जाने और इसका काम जाने। हाँ दे दो।
मसाला मेरा भुन चुका है, अभी मैं ऐड कर रही हूँ अंडे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहिबा का जो है ना सालन जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मैंने कहा है कि आपकी बेटी सो रही है और बिस्तर वगैरह भी माशाल्लाह से निकाल दो और मैं भी आपके साथ हेल्प करवा लेता हूँ। असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अभी निकालने लगे जी शाम के बिस्तर, क्योंकि कुछ काम की कुछ वजूहत की वजह से हम बाहर ही सोएंगे। तो कल से इंशाल्लाह फिर अंदर जगह बनेगी, आज की रात हमें बाहर ही सोना पड़ेगा। जी बेगम साहबा आ चुकी है जी बिस्तर उठाने के लिए, ये जो है जब मेरा बिस्तर जो है उठा के आ रही है। ये रज़ई जो है ना बहुत भारी है और बेगम साहिबा को उठाने के लिए बहुत ही दुश्वारी होती है। तो आज जो इसका जो कवर था, आज तो बेगम साहिबा ने कवर नहीं चढ़ाया क्योंकि शाम हो चुकी है, तो कल इंशाल्लाह जो है ना कल टाइम के साथ कवर जो है ना बेगम साहिबा को बोलेंगे कि चढ़ा देगी इंशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो चुकी है शाम, सालन भी हमारा रेडी हो चुका है और बिस्तर वगैरह भी हमने लगा दिए और बेटी मेरी जो है ना उठ गई है। तो सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं और बच्चे भी वहाँ पर खेल रहे हैं अभी, तो सब लोग जो है ना अभी काम कर रहे हैं। अगर होते तो दस्तरखान भी आपको ज़रूर दिखाते। तो उम्मीद है आज की वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद ही होगी, अगर पसंद ही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज हमने पहली मर्तबा चश्मा पहना है और चश्मा पहन के सोएंगे।